कटिहार में खेल से खिलवाड़। लगभग 2 साल पहले 6.5 करोड़ की लागत से बने खेल भवन के औचित्य पर उठ रहा है सवाल। बताते चले कि कटिहार में नवनिर्मित खेल भवन में तमाम संसाधनों से लैस होने के बावजूद खिलाड़ियों को खेलने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है। हालांकि खेलो इंडिया के तहत केवल बॉक्सिंग और कुश्ती खेल का संचालन होता है, लेकिन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी और कई इंडोर गेम से जुड़े खिलाड़ी इस खेल भवन में इन खेलों से जुड़े प्रैक्टिस के लिए चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं होने की बात कहकर इन लोगों को घुमा दिया जाता है, जिससे खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी निराश है। कटिहार के खेल भवन की इस बेरुखी पर खेल प्रेमी एवं खिलाड़ियों ने भी अपनी परेशानी इस प्रकार बयां किए। देखिए वीडियो। आपके सामने आ रही, आप लोग पुराने दिन से खेल से जुड़े हुए, क्या परेशानी हो रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, ये जैसे इस भवन का उद्घाटन 2 साल पहले हो चुका है, सारा व्यवस्था है यहाँ पर, टेबल टेनिस का बोर्ड लगा हुआ है और भी कई खेलों का यहाँ पर संसाधन है, लेकिन यहाँ के स्टाफ का कहना है कि हम लोगों को विभाग के तरफ से दिशा निर्देश नहीं आया है, इसलिए हम लोग स्थानीय खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने के लिए नहीं दे रहे हैं। कुछ खेल तो चल रहा है? हाँ, जैसे खेलो इंडिया के तहत जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे बॉक्सिंग और कुश्ती, 2 गेम कटिहार को मिला है, तो वो 2 गेम का यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। तो इन लोगों का सरकारी खेल यहाँ पर, जैसे स्कूली खेल होता है, तो उसका फिर यहाँ पर सब कुछ ये लोग करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और सब गेम का करने में ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। क्या चाहते, क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि कटिहार में इतने लागत से सरकार ने जो इस भवन को बनाने का जिस उद्देश्य से काम किया है, तो उस उद्देश्य का पूर्ति हो और इस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं और सब खेल के भी, उनको भी यहाँ खेलने का अवसर मिले। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि लाखों का सामान जिम का आया हुआ है, लेकिन आज तक जिम खोला नहीं गया है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। जिस उद्देश्य से सरकार ने इस खेल भवन को बनाने का काम किया है, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। बबन कुमार झा। हमारा कहना है कि मैट लगा हुआ है, तो अभी तो सब डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट का क्या, डिस्ट्रिक्ट में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट में मैट में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे कटिहार में जब लगा हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मैट पर प्रैक्टिस करें। क्या बोला जाता है यहाँ से? यहाँ से भैया लोग को तो ग्राउंड में बोले हैं कि भैया हम लोग को प्रैक्टिस करना है मैट पे, तो वो बोले कि ठीक है बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं। कब से आप लोग यहाँ पर आशा लगाए गए? जब से ये बना 2 साल, करीब 2-3 साल। हाँ, उससे हाँ नहीं कुछ, बस मैच हो रहा था, एक बार मैच हुआ था यहाँ पे, बस उसके बाद तो कुछ नहीं, बस ऐसे अनामिका हो रहा। क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को खिलाड़ी है? खेल के लिए हम लोग को यहाँ परमिशन नहीं मिल रहा है, और ऐसे जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ बारिश के समय में मतलब ग्राउंड भीग जाता है, इस वजह से हम लोग का गेम प्रैक्टिस ख़राब होने लगता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, इस वजह से सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, तो आगे का मतलब ज़्यादा दिक्कत होता है। और अब तो मैट पे होने लगा है सारा चीज़, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोगों को मैट का सुविधा है, तो हम लोग को वो हम लोग को मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मिले। मनीषा ओरा। क्या परेशानी है आप लोग? टेबल टेनिस खिलाड़ी है, खेल भवन में क्या परेशानी हो रहा है? सर हम लोग को, सर पहली बात तो ये है सर, हम लोग को खेलने के लिए प्रैक्टिस करने की कभी जगह नहीं मिली अभी तक। अच्छा, यहाँ पे जगह है तो सर हम लोग को यहाँ पे मना किया गया है, बोला सरकारी तरफ से इसमें आदेश नहीं है खेलने के लिए। आप लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं? जी सर। कैसे, बोर्ड का तो व्यवस्था है? जी सर, बोर्ड सब है सर, हम लोग को बस खाली खेलने के लिए अंदर परमिशन नहीं दी गई है। क्या नाम है? मोहित कुमार।